असलम दिस इज़ मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स पैडागोजी एम सी क्यूज़ में स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स या एजुकेशनल मैनेजमेंट के एम सी क्यूज़ का पार्ट फोर प्रजेंट किया जा रहा है ये एम सी क्यूज़ आपको ईटा एन टी एस एफ पी एस सी और लीडरशिप वगैरह के टेस्ट में यूज़फुल होंगे पहले तीन वीडियोज़ का लिंक आपको इसी वीडियो के एंड पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप पहली दफा चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहा करें तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज एज मैनेजमेंट प्लानिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग तो सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज नाउन एज मैनेजमेंट तो इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग मोटिवेशन एंड controlling the human resources, financial, physical and information resources of an organization to reach its goals efficiently and effectively. तो ये बेहतर अंदाज से आप जब किसी organization के गोल्स अचीव करना चाहते हैं ना ये सारे जो है ना उसमें फैक्टर्स इन्वाल्व होते हैं तो ये मैनेजमेंट कहलाती है जबकि प्लानिंग क्या है इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव a डिज़ायर्ड गोल तो आप थिंकिंग करते हैं ताकि कौन सी एक्टिविटीज रिक्वायर्ड हैं कोई अचीव करने के लिए गोल कोई मकसद हासिल करने के लिए जबकि दो टर्म्स हैं उनका जानना भी बहुत जरूरी है एफिशिएंसी क्या है इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू अकम्पलिश लीस्ट अमाउंट ऑफ वेस्टेड टाइम मनी एंड एफर्ट आर कंपिटेंसी इन परफॉर्मेंस तो जब आप मनी टाइम और बाकी चीज़ें ज़ाया किए बगैर कम से कम आप बेहतर अंदाज से जब रिजल्ट हासिल करते हैं दैट इज़ एफिशेंसी और इफ़ेक्टिवनेस क्या है इज डिफाइंड एज द डिग्री टू विच समथिंग इज़ यू सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग अ डिज़ायर्ड रिज़ल्ट तो ये अफेक्टिवनेस क्या है कि डिग्री टू विच समथिंग इज़ सक्सेसफुल जब जित कितना आप बेहतर सक्सेसफुल हैं कोई अच्छे आप डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हासिल करने में तो ये चीज़ आपकी इफ़ेक्टिवनेस कलाती है तो नेक्स्ट है कि मेजर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट लाइज ऑन होम स्कूल मैनेजमेंट की जो मेजर रिस्पांसिबिलिटी है ना वो साइंस टीचर वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल तो डेफिनेटली स्कूल मैनेजमेंट में जो मेजर रिस्पांसिबिलिटी है ना वो आपके प्रिंसिपल की होती है सी आंसर होगा मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ किसकी एडमिनिस्ट्रेशन से कंसर्न होती है मैनेजमेंट क्या करने से कंसर्न होती है फिजिकल एसेट्स फाइन फाइनेंशियल रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स तो डेफिनेटली जो मैनेजमेंट है ना दैट इज कंसर्न विद ऑल फिजिकल रिसोर्सिस हैं आपके पैसे हैं फाइनेंशियल रिसोर्स हैं या ह्यूमन है, रिसोर्स स्टाफ है ये सारी चीजें उसने मैनेज करनी होती हैं कि मैनेजर ने डी आंसर होगा फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच इज द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट अब देखिए मैनेजर्स टेक्नीशियंस सुपरवाइजर्स तो टेक्नीशियंस तो मैनेजर्स होते ही नहीं हैं तो जो सुपरवाइजर्स होते हैं ना तो वो फील्ड में जो टेक्नीशियंस वग़ैरह और दीगर जो वर्कर्स वगैरह काम कर रहे होते हैं ना उनके ऊपर जो होते हैं ना वो सुपरवाइजर्स होते हैं तो मैनेजमेंट और थोड़ी सी बड़ी होती है और फिर एडमिनिस्ट्रेशन उससे ज्यादा बड़ी होती है तो क्या है कि सुपरवाइजर्स इसमें जो है ना लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है तो टेक्नीशियन का काम क्या होता है फोकसिंग ऑन डूइंग द वर्क फॉर मेकिंग समथिंग सेलिंग एंड डिलीवरिंग कोई चीज बनाने में कोई काम करते रहते हैं ना टेक्नीशियंस कोई बनाने में या बेचने में उनका किरदार होता है जबकि मैनेजर क्या करता है फोकस ऑन अचीविंग रिजल्ट थ्रू पीपल एंड सिस्टम्स फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट एंड स्ट्रेटाइजिंग द फॉर द फ्यूचर तो ये मैनेजमेंट ही का, काम करती है जबकि सुपरवाइजर फील्ड में वो ओवर लुक कर रहे होते हैं ओवर सी कर रहे होते हैं उनको देख रहे होते हैं काम कर करने वालों को उनके ऊपर वो सुपरवाइज कर रहे होते हैं नेक्स्ट है के फ्रॉम द गिवन ऑप्शन व्हिच रिप्रेजेंट हार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस इनमें से हार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है टू लुक तो इन टू द प्रॉब्लम कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजिंग तो इनमें से जो आप कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट का क्या चीज है मैनेजमेंट में तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कम्युनिकेशन तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है इज़ द इस्टब्लिशमेंट ऑफ इफेक्टिव अथॉरिटी रिलेशनशिप्स रिलेशनशिप सामांगटेड वर्क परसन एंड वर्क प्लेस इन सब चीज़ों को जब आप क्या करते हैं कि इनके अंदर रिलेशनशिप कर, पैदा करते हैं कोऑर्डिनेट करते हैं इन ऑर्डर फॉर द ग्रुप टू वर्क टुगेदर एफिशिएंटली ताकि बेहतर अंदाज से काम हो सके तो ये ऑर्गनाइजिंग प्रोसेस है जबकि कम्यूनिकेशन क्या है कि ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इन मैनेजमेंट प्रोसेस तो ईच ऑफ द मैनेजमेंट रोल्स प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग एंड कंट्रोलिंग डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये तमाम जितने भी फैक्टर्स हैं जितने भी रोल्स हैं ना मैनेजमेंट के तो सारे कम्युनिकेशन पर डिपेंड करते हैं नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन सोर्स ऑफ इनोवेशन इनोवेशन यानी कि आप नई चीज़ लेके आते हैं जिद्दत लाते हैं टेक्नोलॉजी आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो इसमें टेक्नोलॉजी है रिसर्च इन एजुकेशन ह्यूमन माइंड जो जिद्दत का मेन सोर्स क्या है दैट इज़ द ह्यूमन माइंड इंसानी जहन में जब ख्याल आते हैं ना फिर जाके कोई नई चीज़ बनती है तो प्लानिंग फॉर द इंस्टीट्यूशन शुड बी बेस्ड ऑन किसी इदारे के लिए जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं ना तो दैट शुड बी बेस्ड ऑन सिलेबस एम्स एंड नीड्स बहुत एंड बी तो डेफिनेटली जब इंस्टीट्यूशन के लिए प्लान कर रहे होते हैं ना तो वो एम्स एंड नीड्स को देखा जाता है कि आपकी एम्स और नीड्स क्या हैं तो नेक्स्ट है बी आंसर होगा नेक्स्ट है गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है ना दैट शुड बी बोल्ड अचीवेबल रेंडम तो डेफिनेटली जो गोल्स होते हैं ना वो अचीवेबल होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए जिनको आप में हासिल कर सकें बी आंसर होगा की टू डिसिप्लिन एंड कंट्रोल इज जब आप डिसिप्लिन और कंट्रोल लाना चाहते हैं ना उसमें पनिशमेंट होनी चाहिए मोटिवेशन होनी चाहिए इफेक्टिव टीचिंग होनी चाहिए अगर आप स्कूल लेवल पे बात करते हैं ना तो इसमें जो है ना बोथ बी एंड सी अब देखिए पनिशमेंट को डिसिप्लिन के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते बल्कि मोटिवेट करें उनको और इफेक्टिव टीचिंग करें ताकि डिसिप्लिन प्रॉब्लम पैदा ही ना हो जब बच्चे फारूग होंगे तो फिर फिर वो डिसिप्लिन प्रॉब्लम पैदा करेंगे ना मोटिवेशन और इफेक्टिव टीचिंग के जरिए डिसिप्लिन को कंट्रोल किया जा सकता है हु क्लेम दैट एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फिजिकल एंड मॉरल डिवेलपमेंट किसने कहा है कि एजुकेशन फिजिकल और मॉरल डिवेल्पमेंट है तो ये बात कही है एरिस्टोटल ने सी आंसर है डिटर्मिनेट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट क्या चीज जो है ना इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैल्यूज एंड ड्यूटीज सिस्टम एंड टीम्स रिसर्च एंड चेंजेस तो फॉर इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है रिसर्चिज एंड चेंजेस जो है ना ये ज्यादा उसमें इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन इन पाकिस्तान इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच गवर्मेंट अंडर द डेवोल्यूशन ऑफ पावर डेवोल्यूशन ऑफ पावर को भी समझेंगे हम तो ये देखते हैं कि एजुकेशन इन पाकिस्तान इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ विच गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट जो है ना रिस्पांसिबल है फेडरल डिस्ट्रिक्ट डिवीजनल प्रोविंशियल तो जो डेवोल्यूशन प्लान है ना उसके अकॉर्डिंग आपकी जो डिवीजनल नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल जो गवर्नमेंट है ना वो एजुकेशन की रिस्पांसिबल है तो डेवोल्यूशन प्लान क्या है ये मुशर्रफ साहब ने 2000 में ये इंट्रोड्यूस करवाया था ये डेलीगेशन ऑफ पावर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द सॉवरन स्टेट टू गवर्न एट ए सब नेशनल लेवल सच एज रीजनल और लोकल जब पावर को ऊपर से नीचे आप दे देते हैं ना रीजनल लेवल पे डिवाल्व टेरिटरीज हैव द पावर टू मेक लेजि रेलिवेंट टू द एरिया इन दस ग्रांटिंग दायर लेवल ऑफ अटानमी तो उनको जब इख्तियार दे दिए जाते थे तो ये डेवोलूशन है यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आप इख्तियार दे देते हैं दो हजार में ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था पाकिस्तान में डेवोल्यूशन प्लान तो इसके अकॉर्डिंग फिर क्या है कि एजुकेशन एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो गवर्नमेंट है ना उसकी जिम्मेदारी है तो एजुकेशन बेसिकली पाकिस्तान में है तो प्रोविंशियल इशू ठीक है इन द वेक ऑफ द एटीन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान व्हेन एजुकेशन डिपार्टमेंट वाज ट्रांसफर फ्रॉम फेडरल टू प्रोविसेज ये अठारहवीं तरमीम के बाद तो ये प्रोविंशियल प्रॉब्लम है लेकिन डेवोलोशन प्लान के अकॉर्डिंग वो क्या है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो मैनेजमेंट है ना या एडमिनिस्ट्रेशन है या गवर्नमेंट है ये उसकी जिम्मेदारी है

इंस्पेक्शन देखिए सुपरविजन जो है ना तो वो तो सुपरवाइजर तो खड़ा ही होता है जब काम कर रहे होते हैं वर्कर्स गाइडेंस में फियर और एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए मैनेजमेंट इंस्पेक्शन क्या है जब बाहर से आके कोई इंस्पेक्ट करता है उसके स्कूल या कोई भी अदारा कैसा चल रहा है तो उसमें एलिमेंट ऑफ फियर एंड एंगजाइटी पाया जाता है ये देखें ना इंस्पेक्शन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं कुड बी डिस्क्राइब एज द क्रिटिकल एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ अ स्कूल एज ए प्लेट प्लेस ऑफ लर्निंग थ्रू इंस्पेक्शन तो ये एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन होती है किसी भी इदारे की नेसेसरी एंड रेलिवेंट एडवाइस में भी गिवन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्कूल इसमें आपको एडवाइस भी दी जाती है और डेफिनेटली इसीलिए फिर एंगजाइटी और फियर पाया जाता है ऑन सच विजिट्स अटेंशन इज पेड टू वन आर मोर एस्पेक्ट्स ऑफ द स्कूल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है उसमें तो इसमें फियर और एंगजाइटी डेफिनेटली पाई जाती है इन लेजिस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन द लीडर कंट्रोल्स द ग्रुप अवॉइड्स द ग्रुप ज्वाइंट्स द ग्रुप अप्रिशिएट्स द ग्रुप अब डेफिनेटली लेजीज फेयर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है ऑल इज़ वेल होता है और जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है होता है या मैनेजर होता है उसको परवाह कोई नहीं होती तो वो केयरलेस uh, होता है तो वो अवॉइड करता है ग्रुप को वो चाहता ही नहीं है कि उससे कोई सवाल जवाब किया जाए तो बी यहाँ पर आंसर आ जाएगा तो ये थे कुछ एम सी क्यूज़ फिफ्टीन जो हमने लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स या एजुकेशनल मैनेजमेंट के एम सी क्यूज़ में से हमने उठाए थे तो बहुत शुक्रिया देखने के लिए मज़दीद इस तरह की जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनका लिंक आपको राइट साइड पर नजर आ रहा होगा तो बहुत शुक्रिया फिर फिर आपसे किसी नई वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी फिर मिलते हैं अल्लाह हाफिज़